हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन का जो स्क्रीन है वो मतलब आपका फ़ोन जो है वो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह कैसे बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आप अपने ऐप को चेक कर लीजिए जो मैं प्ले स्टोर में बता रहा हूँ। उसका नाम है कंप्यूटर लॉन्चर। देखिए, आपको सर्च करते करते मिल जाएगा ये कंप्यूटर लॉन्चर ऐप। यहाँ पे देखिए, आप मिल गया। सॉरी, ये मैंने गलत लगा दिया। विंडोज 7 से आप कंप्यूटर लॉन्चर लिख दीजिए, तो सबसे जो ऊपर वाला ही ऐसा आएगा उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये मेरा इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको फर्स्ट अपना जो फ़ोन है उसको ऑटो रोटेट पे रखना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। आप अपने फ़ोन को ऑटो रोटेट पे ही रखिएगा। तो फर्स्ट ये कुछ शायद परमिशन मांगेगा। ओह, ये परमिशन नहीं मांगा। देखिए, ये ऐसा हो गया। फिर आपको अपने फ़ोन को ऑटो रोटेट पे रख लेना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपके अपने फ़ोन को ऑटो रोट पे रख लेना है। ये देख सकते हैं, मैंने ऑटो रोट पे रख दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये यहाँ पे यस कर दीजिए, अलाउ। देखिए, ये ऐसा ही आ रहा है आपका जो ऐप से। फिर आपको यहाँ पे दिस पीसी मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी एक नाम चूज़ कर लेना है, जैसे मैं PCC या फिर PVV चेज करके डन में क्लिक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप शायद देख सक रहे होंगे, तो यहाँ पे सब कुछ आ गया है PC के अंदर। मैं इसको क्रॉस कर ले रहा हूँ। फिर देखिए, सेकेंड ऐप आता है। मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लिया इसको। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस कर लिया है। अभी यहाँ से आप जो ऐप चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड में ये भी मिल जा रहा है। फिर कॉन्टेक्ट भी आपको अलाउ कर देने से यहाँ पर सब कॉन्टेक्ट मिल जा रहा है आपको। सब कुछ यहाँ से मिल जा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो वॉलपेपर चाहिए वॉलपेपर एक मिल जा रहा है जो चाहिए, ये देख सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको सारे मिल जाए। जो मैं यहाँ पर क्लिक करने से इतने सारे वॉलपेपर मुझे मिल जा रहे हैं। सबको जो वॉलपेपर चाहिए वो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक वॉलपेपर लगा ले रहा हूँ गूगल पे जाके। गूगल पे जाके मैं यहाँ पे विंडोज वाला एक वॉलपेपर लगा ले रहा हूँ। यहाँ से एक वॉल पेपर मैं चूज़ कर ले रहा हूँ, जैसे ये वाला मैं चूज़ करके इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। सॉरी, तो ये हम लोगों का डाउनलोड हो चुका है। तो फिर आपको ये यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ी देर क्लिक कर रखना है। फिर देखिए, यहाँ पे देखिए आपको वॉलपेपर का एक ऑप्शन मिलेगा। तो वॉलपेपर में जाके आपको गैलरी में क्लिक कर लेना है। देखिए, फोटो मैं यहाँ से फोटोज पे क्लिक कर ले रहा हूँ। आपको ये ऐसा कर लेना है, आपको एक विंडोज 11 जो मैंने डाउनलोड किया वो मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, आपका जो स्क्रीन है वो कंप्यूटर की तरह बन गया है। यहाँ पे आप ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया, ब्राउज़र आ जा रहा है। आप कोई भी ऐप यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब। तो ये मैंने देखिए, यहाँ पे सब कुछ मिल जा रहा है। तो आप इसको अगर ये वाला क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का जो टास्क बार है वहाँ पर ही आ गया है। ये YouTube और Google मैंने यूज़ जो किया था थोड़ी देर पहले, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको एक एडिट बहुत सारा एडिटिंग का भी ऐप मिल जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।